हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस वर्ल्ड गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज एंड यस अगर आपको भी ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज पढ़नी है तो सब्सक्राइब करना है ज़रूर एंड और सबसे भी करवाना है चलिए गाइज अब हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आपके सामने कुछ बेसिस हैं बेसिस मतलब कि वो पॉइंट्स हैं जिनको हम कंसिडर करके इन दोनों के बीच में हम डिफरेंसेज बताएंगे डिफरेंस लिखना कैसे है एग्जाम में उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा विद इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स चलिए तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस सबसे पहला बेसिस हमारा रहेगा मीनिंग डेलीगेशन का मीनिंग क्या होता है गाइस डेलीगेशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो पावर है वो दो लोगों के बीच में शेयर करी जाती है मान लीजिए मैनेजर हो गया और उसका सबॉर्डिनेट हो गया ऑन द अदर हैंड डिसन क्या है इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय द पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैज़ बीन श्योर्ड बिटवीन द मल्टीपल इम्प्लॉयज ऑफ दर्गनाइजेशन राइट गाइज सेकेंड है गाइज स्कोप डेलीगेशन का स्कोप नैरो होता है ऑन द अदर हैंड डिसन का स्कोप बहुत ब्रॉडर होता है नेक्स्ट पर्पज़ क्या है डेलीगेशन का मेजर पर्पज़ होता है एक मैनेजर अगर अकेला काम करेगा तो वो नहीं कर सकता ओवर बर्डन फील करेगा तो डेलीगेशन का मेजर पर्पज़ है उसके बर्डन को कम करना एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मेजर पर्पज़ क्या है गाइस एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट को इन्हांस करना मतलब बढ़ाना ऑन बोथ द लेवल्स चाहे वो मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज़ हों चाहे वो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हों नेक्स्ट आता है गाइस ग्रांट ऑफ अथॉरिटी ग्रांट का मतलब होता है देना मतलब अथॉरिटी देता कौन है डेलीगेशन के अंदर जो अथॉरिटी है वो मैनेजर्स देते हैं अब वो मैनेजर टॉप लेवल का भी मैनेजर हो सकता है लोअर लेवल का भी मैनेजर हो सकता है मिडिल लेवल का भी मैनेजर हो सकता है बट इफ वी टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन तो गाइज वहाँ पर अथॉरिटी जो दी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर ही देते हैं नेक्स्ट है गाइज नेचर डेलीगेशन जो है दैट इज़ परमानेंट इन टू द नेचर रीजन बींग एन इंडिविजुअल पर्सन एक अकेला पर्सन जो है वो नहीं काम कर सकता है सारी ऑर्गेनाइजेशन के इसीलिए डेलीगेशन तो हमें करना जरूरी है ही है मतलब मैनेजर के लिए कंपलशन है कि भाई वो अपना काम अपने उसके अंडर जो इम्प्लॉयज कर रहे हैं उनके साथ करें बट डिसजेशन जो है वो ऑप्शनल है दैट इज़ वाई इट इज़ टेम्परेरी इन टू द नेचर अगर लगता है टॉप लेवल को कि भाई ठीक है मुझे डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो वो करेगा अगर उसको लगता है कि मुझे मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को पावर देनी है तो वो देगा अदरवाइज वो नहीं देगा नेक्स्ट है गाइज फ्रीडम अगर हम बात करते हैं गाइज़ डेलीगेशन की तो यहाँ पर फ्रीडम दी जाती है एक्शंस की बट मैनेजर अपने आप को कम्प्लीटली रिलीव नहीं करता है उस रिस्िपॉन्सिबिलिटी से जो उसने अपने सब ऑर्डिनेट्स को दे दी मान लीजिए मैं किसी कंपनी के अंदर मैनेजर हूँ ठीक है मुझे एक दिन में टेन पेंसिल्स मैन्युफैक्चर करके देनी थी और बड़ा अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रोसेस है मैंने वो काम अपने एम्प्लॉयज़ को भी डेलीगेट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं उन्हें बिल्कुल फ्री ही कर दूँगी नहीं मैं ये भी देखूंगी कि भाई जो काम मैंने उनको दिया है वो अच्छे से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो डेलीगेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्शंस है बट सुपरविजन जो है बहुत स्ट्रिक्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एक बार पावर दे दी फिर चाहे एम्प्लॉय जो मर्जी कर रहा है वो उसके ऊपर है नेक्स्ट है गाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है मेजरली यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे हैं उनकी मतलब डेलीगेशन जो है वो हर मैनेजर को करना कंपल्शन है क्योंकि अकेला वो कोई काम नहीं कर सकता है इसीलिए डेलीगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मैनेजर की होती है जबकि अगर हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की तो गाइज डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजर की है जहाँ पर टॉप लेवल मैनेजर ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि मुझे किसको पावर देनी है किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है किसको कितनी पावर देनी है कितनी नहीं देनी है राइट सो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किसका करना काम है नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइज ऑर्डर ऑर्डर का मतलब क्या है कि क्या चीज़ हम कब करते हैं देखो डेलीगेशन जो है इट प्रोसीड्स डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डेलीगेशन जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन से पहले होता है रीज़न एक मैनेजर ने दो इम्प्लॉयज़ को काम दिया अब वो इम्प्लॉयज़ क्या करेंगे उनके अंडर जो काम कर रहा है उनको दे देंगे वो काम करने के लिए तो अल्टीमेटली डेलीगेशन जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन से पहले होता है इसीलिए जो डेलीगेशन है इट प्रोसीड्स डिसेंट्रलाइजेशन जबकि जो डी है ना इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द डेलीगेशन ठीक है डेलीगेशन जब हम करते चले जाते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है मतलब डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन के बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट आता है गाइज पार्टीज इन्वॉल्व डेलीगेशन के अंदर मेजरली दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं एक तो मैनेजर और उसके अंडर जो काम कर रहे हैं सबॉर्डिनेट्स वो जबकि अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल इम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं एंड साथ ही साथ टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है सो गाइस कंक्लूजन के अंदर हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं दैट डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ठीक है जब ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन हुआ डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है एंड बोथ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर इम्पॉर्टेंट बट यस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिसेंट्रलाइजेशन फंक्शन कर सकती है बट डेलीगेशन जो है वो कंपल्सरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मत भूलना मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपको डिफरेंस लिख कर आना होता है एग्जाम्स के अंदर अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना आई विल क्लियर योर डाउट बाय बाय एवरीवन